ब्रेड बनाने के लिए ना ईस्ट का जरूरत है, ना गूथने का झंझट है, ना ही घंटों इंतजार करने की जरूरत है। घर पे ही हम आज बिना ईस्ट के सूजी से ब्रेड बनाएंगे। देखिए कितना सारा जाली आया है और एकदम सॉफ्ट बना है। इसे बनाने के लिए आपको मोल्ड की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो तब भी इस तरह ग्लास में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी ले लिया है। 1.5 कप सूजी में हम 1 कप फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर दही खट्टा होगा तो ब्रेड में भी खट्टा टेस्ट आ जाएगा। सूजी बहुत ज्यादा पानी सोख करता है, तो हम सबसे पहले सूजी को थोड़ा सा फूलने के लिए रख देंगे। दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1/2 कप पानी भी डाल देंगे। आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी भी डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसी के साथ ही। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही, 2 पिंच जितना ही डालें। सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अगर टाइम नहीं है तो 5 मिनट के लिए भी छोड़कर बना सकते हैं। 10 मिनट बाद देखिए सूजी हमारा अच्छे से फूल गया है और गाढ़ा हो गया है। हमें ब्रेड बनाना है तो इसका जो मिश्रण है इसे गाढ़ा रखे, पतला नहीं करना है हमें। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एकदम बारीक पीस लेना है जितना हो सके। अगर ज़्यादा दरदरा रहेगा तो ब्रेड में उसका टेक्सचर दिखाई देगा, इसलिए अच्छे से पीस लेना है। पीस लेने के बाद इसका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सूजी के साथ ही मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा को डालकर पीस लिया है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने पीस लिया है और इसका टेक्सचर देखिए। दही और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ऐसे इलास्टिक जैसे हो जाता है, स्ट्रेची हो जाता है। सूजी को अच्छे से फुलाना है तो हम इसमें एक चीज और डालेंगे, ये है इनो। यहाँ पर मैंने ग्रीन वाला इनो पैकेट लिया है। पूरा पैकेट नहीं डालना है, यहाँ पर मैंने 1/2 पैकेट ही डाला है, 1/2 चम्मच जितना। इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। इनो को जैसे ही हम बैटर में मिक्स करेंगे तो ये तुरंत ही फूलने लगता है, तो सारे प्रोसेस को जल्दबाजी में हमें करना होता है। मैंने दूसरी तरफ कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि हम इसे कुकर में बेक करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड बनाने वाला मोल्ड लिया है, एक छोटा सा मोल्ड मेरे पास है। इसमें हम कागज को ऐसे साइड चारों साइड से काट कर इसमें फिट कर देंगे ताकि ब्रेड कहीं पर ना चिपके, आसानी से निकल जाता है। कागज पे तेल लगा लेने से ये बिल्कुल बटर पेपर का काम करता है, तो हम इसमें चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लेंगे। ब्रेड बहुत ज्यादा फूलता है तो उसे पूरा ना भरे, मैंने यहाँ पर 1/2 ही भरा है क्योंकि मैंने पहले से ही आटा का ब्रेड बनाया था जो उछल कर बाहर आ गया था। आप अगर ब्राउन ब्रेड की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, आप ऐसे इसी मेथड से ही उसे बना सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, आप चाहे तो अलसी का बीज भी डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हम रख देंगे और कुकर को ढक कर धीमी आंच में 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर की सीटी को मैंने हटा लिया है। थोड़ा सा बैटर हमारा बचा हुआ है तो उसे मैं ग्लास में बेक करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास लिए हैं। तेल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो यही टाइम रहेगा, अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। दोनों ग्लास में हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए कितना गाढ़ा है, इसे पतला बिल्कुल नहीं करना है। और ग्लास में कितना बैटर भरा हुआ है आप देख सकते हैं, और बेक होने के बाद कितना बैटर होगा आप कंपेयर करना। इसमें भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसे हम दूसरे कुकर में बेक होने के लिए रखेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से हमारा ब्रेड फूला है। ब्रेड के ऊपर हम तुरंत ही तेल लगा देंगे, तेल या बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं ताकि ब्रेड हमारा सॉफ्ट रहे। इसके अंदर एक टूथपिक डालकर आप चेक कर सकते हैं, टूथपिक अगर साफ निकले तो समझ लीजिएगा ब्रेड हमारा रेडी हो गया है। टूथपिक साफ है, हमारा ब्रेड एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब मैं आपको ग्लास वाला राउंड ब्रेड भी दिखाती हूँ।
देखिए ये भी कितने अच्छे से फूले हैं, एकदम ऊपर तक आ गए हैं, टूथपिक भी साफ निकला है। इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इसे भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे एक टावल में ढक देंगे ताकि ब्रेड सूख ना जाए। ब्रेड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। ब्रेड हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। पेपर को निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया था। देखिए ब्रेड हमारा एकदम सॉफ्ट बना है और बहुत अच्छे से फूला है। ग्लास वाला ब्रेड भी निकाल लेते हैं, साइड से थोड़ा सा चाकू घुमा लेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। देखिए ग्लास वाला ब्रेड कितना अच्छा बना है। इस तरह आप ब्रेड बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और एक बात, आप अगर ब्रेड को ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर डालना भूल गई तो मैंने नहीं डाला है, आप ज़रूर डालें। अब हम इसे काट लेते हैं। देखिए कितना सारा जाली आया है और एकदम सॉफ्ट बना है और अंदर से एकदम व्हाइट है। अगर आप सूजी को दरदरा रखेंगे तो ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा, अंदर दरदरा दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सूजी से बना है, मैदा से नहीं बना है, इतना सॉफ्ट और जालीदार बनता है। देखिए ग्लास वाला ब्रेड भी कितना अच्छा जाली आया है और एकदम सॉफ्ट बना है। अगर आप इसे ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चीनी ज़्यादा डालें। अगर आप चाहें तो इसे शुगर फ्री भी बना सकते हैं, तब आप चीनी को स्किप कर दें। फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।